एक ओर ऑयल कंपनियां अपने ग्राहकों को 24 घंटे पेट्रोल मुहैया करवाने की बात करती हैं, तो वहीं चुवाड़ी स्थित निजी पेट्रोल पंप रात को बंद रहता है। आलम यह है कि मणिमहेश यात्रा के दौरान कई श्रद्धालुओं को कभी तेल न मिलने और कभी शाम ढले पेट्रोल पंप बंद होने से दिक्कत का सामना करना पड़ा। उधर इस बारे प्रबंधन ने बताया कि विगत दिनों रात 1:30 बजे 3,000 रुपये का पेट्रोल भरवाकर बिना पैसे दिए पंजाब के वाहन के फुर हो जाने के बाद ऐसा हुआ है। बता दें कि उत्तर भारत की प्रख्यात मणिमहेश यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु चुवाड़ी और जोत के रास्ते मणिमहेश की पवित्र यात्रा को पूरी करते हैं, तो वहीं चुवाड़ी स्थित पेट्रोल पंप में कभी तेल ना होने या पेट्रोल पंप के रात को बंद होने से जाहिर है कि कईयों को समस्या का सामना करना पड़ता है। चुवाड़ी से लगभग 25 किलोमीटर पहले सदमा और आगे लगभग 55 किलोमीटर दूर चंबा में ही पेट्रोल पंप है, लिहाजा नूरपुर चुवाड़ी मार्ग के 80 किलोमीटर की दूरी में एकमात्र पेट्रोल पंप है। मणिमहेश यात्रियों को चुवाड़ी में पेट्रोल भरवाने में दिक्कत आ रही है। जाहिर है तेल कंपनियों के बड़े बड़े दावों को यहां लापरवाही में ठेंगा दिखाया जा रहा है। उधर जब इस संदर्भ में निजी पेट्रोल पंप ने 24 घंटे की सेवा की कोई कंपनी गाइडलाइन ना होने की बात कही। पेट्रोल पंप धारक प्रताप शुक्ला ने बताया कि ये संचालक पर निर्भर करता है कि क्षेत्र के हिसाब से सेवा तय करें। उन्होंने बताया कि आमतौर पर रात को भी तेल मुहैया करवा दिया जाता है। मैं पठानकोट से आ रहा हूँ जी, तो अभी मैं चुवाड़ी में पहुँचा हूँ, तो मैंने तेल डलवाना था गाड़ी में, तो ये पेट्रोल पंप वाले उठ नहीं रहे हैं, ये सोया हुआ अंदर एक मुलाजिम इनका, तो जनता को ज़्यादा इसकी जो है प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके लिए कुछ किया जाए। उधर जब इस बारे में SDM बटियात बच्चन सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ENTV के माध्यम से मामला ध्यान में आया है, कोई भी लिखित शिकायत आने के बाद उन्होंने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। चुवाड़ी से पुनीत शर्मा की रिपोर्ट।